हेलो एवरीवन। तो आज से हम हमारा सी का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, सी के लिए इंट्रोडक्शन है। ये कोर्स किस लिए है, किसके लिए है, ये देखेंगे। तो देखते हैं नाउ सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है वाई सी, सी लैंग्वेज ही क्यों? तो क्योंकि सी लैंग्वेज एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत आउटडेटेड है। वो अभी भी यूज होती है, बहुत सारी जगह पे यूज होती है। वही हम देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होती है। सबसे पहले उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सी वॉज इन्वेंटेड एंड फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाई डेनिस रिची ऑन DEC PDB-11 दैट यूज द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सबसे पहली बार डेनिस रिची ने यूज किया था सी, यूनिक्स पे चलाया था। सी इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज से मतलब ये है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं है, लो लेवल भी नहीं है। उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो लो लेवल से अच्छे है या फिर हाई लेवल से बुरी है। सी मिडल लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि उसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस के फीचर्स है, जैसे कि डेटा टाइप्स और वो सब, और लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे असेंबली जैसों के फ्लेक्सिबिलिटी है। सो सी सी लैंग्वेज अभी करीब से करीब, आई मीन सी लैंग्वेज अभी मशीन कोड के सबसे करीब है। वो अगर असेंबली की बात करें तो वो एक प्रोग्राम हमें समझने के लिए दिक्कत आती है बहुत, और हाई लेवल लैंग्वेजेस हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो सी लेवल लैंग्वेज वही पे अच्छा काम करती है। फिर है सी इज अ प्रोग्रामर्स लैंग्वेज। अमोंग द प्रोग्रामर्स सी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। जब सी लैंग्वेजेस के कॉन्टेस्ट होते हैं या फिर कुछ भी होता है, सब सी को बहुत प्रीफर करते हैं। और उसके क्योंकि उसका यूज ही ऐसा है, उसके यूजेस है कि हम कोई भी एम्बेडेड सिस्टम्स है, जैसे कि कोई भी मशीन हमने बनाई है उसका एम्बेडेड सिस्टम है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो वो सी में बनाया जाता है। विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, उन सबका मैक्सिमम पार्ट सी में बना है। फिर गिट है, पाइथन, पाइथन का इंटरप्रेटर भी सी में बना है। पाइथन की काफ़ी सारी लाइब्रेरीज भी सी में बनती है। और फिर MySQL जो अभी मोस्टली सब यूज करते हैं वो भी सी में बना हुआ है मोस्टली। सो इसलिए सी इतनी इम्पोर्टेंट है। एंड ये कोर्स किसके लिए है? तो ये कोर्स उनके लिए है जिन्होंने प्रोग्रामिंग अभी, जिन्हें नहीं पता है, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सी बहुत अच्छा स्टार्ट है प्रोग्रामिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। और उसके लिए भी है जिसका जो कॉलेज में है, कॉलेज या स्कूल में है, सी पढ़ रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, सी के लेक्चर्स आते रहेंगे। सब्सक्राइब टू वॉच मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।